गलत बात, ये गलत बात, गलत बात है कि नहीं है। जब मैं तिहाड़ गया, मेरी दवाइयां बंद कर दी, लोगों ने मेरे को दवाइयां नहीं दी तिहाड़ के अंदर। 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं रोज में। जब मैं जेल में गया, इन्होंने मेरे इंसुलिन का इंजेक्शन बंद कर दिया, मेरे को इंजेक्शन नहीं दिया। मैं बहुत गिड़गिड़ाया इनके सामने, मेरा इंजेक्शन दे दो। मेरी शुगर 300-350 पहुंच गई। मेरे को नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाह रहे थे, इनकी क्या मंशा थी। मोदी जी ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को बोला, मैंने कहा जी मैंने दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आप पूरे देश में 500,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना, आप तो देश के राजा हो, तब तो आपका बड़प्पन है। आप दिल्ली में केजरीवाल को गिरफ्तार करके उसके मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हो, गलत बात, ये गलत बात, गलत बात है कि नहीं है। और विडंबना देखो, मैंने आपके लिए फ्री दवाई का इंतजाम करा, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मेरी दवाइयां बंद कर दी, इन लोगों ने मेरे को दवाइयां नहीं दी तिहाड़ के अंदर। मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर है, बहुत हाई शुगर रहती है। पिछले 10 साल से मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं रोज रोज। मेरे पेट में 4 इंजेक्शन लगते हैं, सवेरे, दिन में, शाम को और रात को। 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं रोज में। जब मैं जेल में गया, इन्होंने मेरे इंसुलिन का इंजेक्शन बंद कर दिया, मेरे को इंजेक्शन नहीं दिया। मैं बहुत गिड़गिड़ाया इनके सामने, मेरा इंजेक्शन दे दो। मेरी शुगर 300-350 पहुंच गई, 140 होनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ज्यादा दिन शुगर रह जाए तो आदमी की किडनी और लीवर खराब हो जाता है। मेरे को नहीं पता ये मेरे साथ क्या करना चाह रहे थे, इनकी क्या मंशा थी। दोस्तों मैंने आपकी बिजली फ्री करी, मोदी जी वो फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। और आज अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, आज आती है कि नहीं आती। आज सबसे गर्म दिन था, 8000 मेगावाट की आज डिमांड थी, फिर भी दिल्ली में एक भी जगह पावर कट नहीं लगा। 24 घंटे बिजली पूरी दिल्ली के अंदर है, नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। और दिल्ली वालों, आपके लिए आपके बेटे ने 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया। और अब जितनी माँ बहने हैं, मेरा बड़ा इंतजार कर रही थी, सारी दुखी थी, केजरीवाल जेल चला गया, हमारे 1000 रुपए का क्या होगा। आ गया मैं, अब आपके 1000-1000 रुपए दिलवाऊंगा, जल्दी चालू करूंगा, सारी मैं बहनों के 1000-1000 रुपए। आई लव यू। और अभी 4 दिन पहले, पता नहीं आपने इंटरव्यू देखा कि नहीं देखा प्रधानमंत्री जी का, आज तक वालों ने पूछा कि जी दिल्ली में केजरीवाल ने महिलाओं का बस का सफर फ्री कर दिया। प्रधानमंत्री जी बोले ये फ्री बस का सफर नहीं होना चाहिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बस का सफर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर प्रधानमंत्री जी को क्या तकलीफ है? मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आपकी बड़ाई इस बात में है, पूरे देश की महिलाओं का बस सफर फ्री कर दो, रेलवे सफर भी फ्री कर दो, तब तो बड़प्पन है। आप दिल्ली की महिलाओं का रोकना चाहते हो, जब तक केजरीवाल है रुकने नहीं देगा आपका फ्री बस सफर।